भारत को पहले सपेरे का देश कहा जाता था क्योंकि भारत की इकलौता ऐसा देश है जहां सांपों को बीन बजाकर नियंत्रित किया जाता है। ये काम सदियों से किया जा रहा है। इसी वजह से पश्चिमी देशों में भारत की छवि सपेरे के देश के रूप में बन गई है। हालांकि आज पूरे देश में नाम मात्र के सपेरे बचे हैं। सपेरों का मुख्य काम सांपों का खेल दिखाकर लोगों को मनोरंजन करना होता है। इसी से उनकी कुछ कमाई हो जाती है जिससे उनका घर चलता है। जैसे कि सभी जानते हैं कि सांप बहुत ही खतरनाक जीव है। लोगों का यह मानना है कि सांप दूध पिलाकर उसे दोस्त बनाया जा सकता है, लेकिन विज्ञान इसके उलट पलट है। विज्ञान के अनुसार जहरीले सांपों के लिए दूध किसी जहर की तरह होता है। अगर जहरीला सांप दूध पिएगा तो उसकी मृत्यु हो भी हो सकती है। सांप बिना जहर वाला भी क्यों ना हो, उसे देखते ही दिल धक धक उठता है। अक्सर आपने कई सपेरों को सांपों को साथ तरह तरह के करतब करते हुए देखा होगा। आजकल तो यह बहुत कम हो गया है जबकि पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। आज भी भारत के ग्रामीण इलाकों में कुछ सपेरे बचे हैं जिनका मुख्य काम आज भी यही है। कुछ सपेरे जहरीले सांपों के दांत तोड़ कर रखते हैं जबकि कुछ बिना दांत तोड़े ही करतब दिखाते हैं जो कई बार उनके लिए जानलेवा साबित हो जाता है। हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें सांप का खेल दिखाने वाले व्यक्ति की उसकी सांप के काटने से मृत्यु हो गई। दरअसल सांप का खेल दिखाने वाला व्यक्ति अपने गले में सांप डालकर खेल दिखा रहा था, तभी अचानक सांप ने उसे काट लिया और उसकी हालत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम करने के लिए शव को 100 ग्राम में भेज दिया गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।